Hello my lovely children, welcome back. Let's start today's video, class 1, subject maths, chapter 2, more about addition and subtraction. It's our lecture number 7. Okay children, now let's do book exercise. And here we do question number 3. Question number 1 and 2 you will not have to do. Now question number 1 or 2 आपको मैं homework में बाद में करने के लिए दूंगी, इसलिए आपको question number 1 and 2 अभी नहीं करना है. Okay children, question number 3 we are going to do today. And first of all I have to tell you that you have to mention the format also. 9920s.w. ओके चिल्ड्रन, तो आपको ये फॉर्मेट भी मेक करना है. इससे आपको गेट होगा कि आपने ये वर्क कौन सी डेट में किया है. नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 3. एस ओ एम ई सम, ओ एफ ओ टी एच ई डी, S U M S sums, D O do, N O T not, B E L O N G belong, T O to the group. Some of these sums do not belong to the group. कुछ sum है जो group से belong नहीं करते, means जो group में नहीं आते. ग्रुप कौन सा है हमारा? दिस वन इज ग्रुप, दिस इज अ ग्रुप एंड दिस इज अ ग्रुप. इट इज अ ग्रुप, इट्स अ ग्रुप एंड इट इज ऑल्सो अ ग्रुप. तो जो इन ग्रुप में नहीं आते, जो इन ग्रुप से बिलोंग नहीं करते, उन पे हमने क्या करना है? मार्क देम रॉन्ग. इट इज द सिंबल ऑफ क्रॉस. हमें उनके ऊपर क्रॉस का मार्क लगाना है. जो सम इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, हमें उस पर क्या लगाना है? क्रॉस का साइन. और जो बिलोंग करता है, द सम दैट बिलोंग, डू नथिंग विद दैट. उसके साथ हमें कुछ नहीं करना, उससे हमें कोई टिक नहीं लगाना. ओके, जो नहीं करता सिर्फ उसको क्रॉस करना है. हमें सिर्फ इतने ही इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं. ओके चिल्ड्रन, सो द ग्रुप इज हेयर 8080 minus 40 is equal to 40. It is our sum. ये हमारा sum है, ये हमारा group है. अब जो number या जो sum इसमें belong नहीं करता, हमें उसको cross करना है. Mark them wrong. ऐसे instructions दिए ना हमें, तो हमें इसको फॉलो करते हुए इनको सोल्व करना है. फॉर दैट वी हैव टू सोल्व इट. 90 minus 60. अब 90 minus 60 आपको वर्टिकल प्लेस करने पड़ेंगे. पहले आपको हॉरिजॉन्टली करने नहीं आते इतनी बड़ी डिजिट को, इसलिए हम इसको प्लेस करेंगे. कैसे? लुक एट हियर. 9, 0, 90 and 60. We have arranged it. Now do subtraction. 0 में से 0 को subtract करेंगे, then we got 0. 9 minus 6. 9 को mind में रखेंगे, 6 fingers open. 9 के back 8, 7, 6, 5, 4, 3. We'll write here 3. तो आपका आंसर हुआ 30. एंड ये ग्रुप क्या है? ग्रुप में आंसर क्या है हमारा? 40. तो क्या ये आंसर, जो हमारा आंसर हुआ 30, हम इसको यहाँ पे लिख भी देंगे. ओके, जो हमारा आंसर यहाँ है 30, हम इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे हम राइट भी करेंगे. ओके, जो आंसर आया हमने उसको यहाँ पे राइट किया है. सो हियर वी गॉट 30 एंड इन द ग्रुप देयर इज द आंसर 40. Both are matching. Is this belong to the group?
क्या इससे मैच कर रहा है? ये 90 है, 90 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 30। तो क्या दोनों आंसर्स मैच है? नहीं। सो वी विल डू क्रॉस, कहीं पर भी क्रॉस कर सकते हैं हम, इसके ऊपर क्रॉस करेंगे। आप सम के ऊपर नहीं करेंगे, फिर हमें पता नहीं रहेगा कि हमारा आंसर क्या है। वी विल नॉट गॉट दैट व्हाट इज आवर आंसर, वी विल गेट कन्फ्यूज्ड। नेक्स्ट 20 प्लस 20, वंस प्लेस से ऐड करेंगे, फिर टेंस प्लेस को ऐड करेंगे। ओके चिल्ड्रन, जीरो में जीरो को ऐड किया, जीरो। टू में टू को ऐड करो, टू को माइंड में रखो, टू फिंगर्स ओपन, टू के बाद थ्री, फोर। वी विल राइट हियर फोर, सो वी गोट द आंसर 40। इज इट मैचिंग? यस, 40 40, बोथ आर मैचिंग। तो जहाँ आंसर हमारा राइट है, वेयर वी गोट द सेम आंसर, वहाँ हम कोई भी टिक का राइट टिक का निशान या टिक का मार्क नहीं करेंगे। ओके चिल्ड्रन, सिर्फ रॉन्ग क्वेश्चन पर आपको क्रॉस का साइन पुट करना है। ओके, सही आंसर के लिए कोई टिक नहीं करना। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन, 40 40 ones, 40 ones, 1 1 इज इक्वल टू 4। ऐसे 40 ones आर इक्वल टू, यस, 40। 1 10, सॉरी 1 1 1, 2 ones 2, 3 ones 3, 4 ones 4, ऐसे 40 ones इज इक्वल टू 40। इज इट मैचिंग? यस, इट्स मैचिंग। हम इस पर टिक का मार्क नहीं करेंगे। 26 प्लस 40, 6 को माइंड में रखेंगे, फोर फिंगर ओपन, 6 and 4, 7, 8, 9, 10, 10 के 0, कैरी 1। अभी हमने कैरी सम्स नहीं करे, तो आपको इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। वी विल डू कैरी सम्स इन नेक्स्ट टर्म, 2 1 3 30। इज इट मैचिंग? नो, सो हियर वी हैव टू पुट अ क्रॉस। डन। नेक्स्ट वन, 4 tens, 1 10 इज इक्वल टू 10, 2 10s इक्वल टू 20, 3 10s 30, 4 10s 40। यस, इट इज मैचिंग। 36 प्लस 27, 6 को माइंड में रखेंगे, 7 fingers ओपन, 7 8 9 10 11 12 13, 13 का 3, कैरी 1, 3 and 2 5 and 1 6। No, it is not matching cross. Next one is 17 plus 20. Here we need to place vertically 17 plus 20. Seven को mind में रखेंगे, zero finger open, 7 का 7। 1 को माइंड में रखेंगे, 2 fingers ओपन, 1 के बाद 2 3। विल राइट हेयर 3, वी विल राइट हेयर 3, सो आंसर इज 37। आंसर इज 37, राइट हेयर 37। इज इट मैचिंग? नो, इट्स ऑल्सो नॉट मैचिंग क्रॉस। ट्वेल्व प्लस 18, 2 को माइंड में रखेंगे, 8 fingers ओपन, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के लिए 0, कैरी 1 1 2 3 30, it is also not matching. Students, let me give you some little idea कि हम carry कब place करते हैं।
जब 10 से ज्यादा नंबर्स हो जाते हैं हमारे पास। 9 तक कोई कैरी नहीं डाल लगाते हम, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं हम। व्हेन द नंबर्स आर मोर देन 9 मींस 10, 11, 12 एंड सो ऑन, तब हम कैरी करते हैं। वंस प्लेस वाला नंबर राइट करते हैं और टेंस प्लेस की हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो नेक्स्ट वन इज, लेट्स डू द सेकेंड ग्रुप। 10 + 10 इज इक्वल टू 20। नाउ हियर वी हैव टू टेक नंबर 20 एज द आंसर। अब हमें 20 को मैच करना है कि हमारे ग्रुप में अगर 20 होगा देन ओके, अगर नहीं होगा तो हम क्रॉस पुट करेंगे। 70 + 21, वी नीड टू प्लेस वर्टिकली 70 + 21। 0 को माइंड में रखेंगे, 1 फिंगर ओपन, 0 and 1, 1। 7 को माइंड में रखेंगे, 2 फिंगर्स ओपन, 7 से नेक्स्ट 8 एंड देन 9, 91। इज इट मैचिंग? नो। पुट अक्रॉस, 30 - 10, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। ये क्वेश्चन ऑलरेडी वर्टिकली अरेंज्ड है, बट फिर भी अगर आपको स्पेस कम लग रहा है या इफ यू आर नॉट एबल टू डू, यू कैन डू इन द नोटबुक, यू कैन सॉल्व देयर आल्सो, इट इज ऑलरेडी वर्टिकली अरेंज्ड। ओके, जो हॉरिजॉन्टली होते हैं उन्हें हमें वर्टिकली अरेंज करने की जरूरत होती है, जो ऑलरेडी वर्टिकल है दीज आर ओके। 3 में से 1 को माइनस करेंगे, 1 फिंगर ओपन, 3 के बैक 2। Yes, it is the right answer. 74 - 64. 4 में से 4 को subtract करेंगे 0. 7 में से 6 को minus करेंगे 1. No, it's not matching. 68 - 25. Keep it in your mind. Open 5 fingers. 8 के back. 7, 6, 5, 4, 3. Here we will write 3. Here we will write 3. 6 - 2. Keep number 6 in your mind. Open 2 fingers. Back to 6. 5, 4. 43. It's not matching, cross. Next is 86 - 56. 6, keep 6 in your mind, open 6 fingers, 6 में से 6 को subtract करेंगे 0, keep 8 in your mind, open 5 fingers, 8 के back 7, 6, 5, 4, 3, write here 3, 40, it is not matching, cross, 40 - 20. 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, कीप नंबर 4 इन योर माइंड, ओपन 2 फिंगर्स, 4 के बैक 3, 2। यस, इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज 63 - 43। कीप नंबर 6 इन योर माइंड, ओपन 3 फिंगर्स, 6 के बैक 3 के बैक 2, 1, 0। 6 - 4, 6 को माइंड में रखेंगे, 4 फिंगर्स ओपन, 6 के बैक 5, 4, 3, 2, राइट हियर 2। 51 - 21, कीप नंबर 1 इन योर माइंड, ओपन 1 फिंगर, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, कीप नंबर 5 इन योर माइंड, ओपन 2 फिंगर्स, 5 के बैक 4, 3, 30, इट्स नॉट मैचिंग, क्रॉस। नेक्स्ट वन इज 50 - 40 इज इक्वल टू 10।
90 प्लस 10, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 9 में 1 ऐड करेंगे, कीप नंबर 9 इन योर माइंड, ओपन वन फिंगर, 9 से नेक्स्ट 10, राइट हियर 10. (99 - 89) कीप नंबर 9 इन योर माइंड, ओपन 9 फिंगर्स, 8 7 6 5 4 3 2 1 0. कीप नंबर 9 इन योर माइंड, ओपन 8 फिंगर्स, 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 के बैक 8 7 6 5 4 3 2 1. यस इट इज द राइट वन, इट इज द रॉन्ग वन. 100 नहीं है ना हमारा आंसर, 10 है, ये रॉन्ग है, इस पे क्रॉस, इट्स नॉट मैचिंग, दैट्स व्हाई क्रॉस. 27 प्लस 12, कीप नंबर 7 इन योर माइंड, ओपन 2 फिंगर्स, 7 से नेक्स्ट 8 9. 2 को माइंड में रखेंगे, 1 फिंगर ओपन, 2 से नेक्स्ट 3, नॉट मैचिंग क्रॉस. 5 एंड 5 5 एंड 5 10. 55 प्लस 31, 5 को माइंड में रखेंगे, 1 फिंगर ओपन, 5 से नेक्स्ट 6, 5 को माइंड में रखेंगे, 3 फिंगर्स ओपन, 6 7 8, नॉट मैचिंग. 60 माइनस 50, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0. कीप नंबर 6 इन योर माइंड, ओपन 5 फिंगर्स, 5 फिंगर्स ओपन, 6 के बैक 5 4 3 2 1. यस इट इज द राइट वन. 8 प्लस 2, 8 को माइंड में रखेंगे, 2 फिंगर्स ओपन, 9 10. यस इट इज मैचिंग. 90 माइनस 80, 90 को माइंड में रखेंगे, सॉरी 0 को माइंड में रखेंगे, 0 फिंगर ओपन 0, 9 को माइंड में रखेंगे, 8 फिंगर्स ओपन, 8 फिंगर्स ओपन, ये तो 9 है, 8 फिंगर्स ओपन, 9 के बैक 8 7 6 5 4 3 2 1. वी विल राइट हियर 1. सो हियर वी हैव डन. यू हैव टू डू ओनली क्वेश्चन नंबर 3. एंड चिल्ड्रन नाउ इट्स टाइम टू टेक होमवर्क, एंड योर होमवर्क इज डू पेज नंबर 31. इट्स पेज नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 3. इसीलिए मैंने ऊपर होमवर्क का फॉर्मेट बनवाया. ओके आप जो फॉर्मेट बनाएंगी वो होमवर्क का होगा. 9 9 20 एस डॉट डब्ल्यू, इट मीन्स होमवर्क. सो यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 3. ओनली क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है, 1 2 नहीं करना. ओके चिल्ड्रन, और इसके बाद भी अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो, फ्रीक्वेंटली आस्क टू मी. ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस द होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर. In the previous lecture, your homework was 2 page number 28. Here are 4 sums you have to solve. So, speak with me. Revati bought 39 toffees. Revati ne 39 toffees purchase kari, kharidi. Her brother ate 19 toffees. Uske brother ne 19 toffees khali. How many toffees are left with Revati? Revati ke paas kitni toffees bachi? Here is the term left, means you have to do subtraction. Right here 39 total toffees likhne ke liye aapke paas space nahi hai. अदरवाइज हमें यहाँ पे लिखना है टोटल टॉफीज. एंड ब्रदर एट 19 टॉफीज, उसके ब्रदर ने 19 टॉफीज खा ली. 1 9 19 8.
ली, अब उसके पास कितनी बची, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे, उसके लिए हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा। नाइन को माइंड में रखेंगे, नाइन फिंगर्स ओपन, नाइन के बैक 8 7 6 5 4 3 2 1 0 जीरो। थ्री को माइंड में रखेंगे, वन फिंगर ओपन, थ्री के बैक 2 20 लेफ्ट। रेवती हैज डैश टॉफीज लेफ्ट, रेवती के पास कितने टॉफीज लेफ्ट है, 20 2 0 20। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सलमान हैड 64 बलून्स, सलमान के पास 64 बलून्स थे, बट 32 फ्लू अवे, लेकिन उसमें से 32 उड़ गए, हाउ मैनी बलून्स आर लेफ्ट। तो अब सलमान के पास कितने बलून्स बचे, यू हैव टू फाइंड द आंसर। सो राइट हियर, हियर इज द ऑल्सो टर्म लेफ्ट, राइट हियर 64 टोटल बलून्स भी लिखने थे, लेकिन हमारे पास बलून लिखने का स्पेस नहीं है, 32 फ्लू। नाउ हाउ मेनी लेफ्ट, लेट्स काउंट, 4 को माइंड में रखेंगे, 2 फिंगर्स ओपन, 4 के बैक 3 2। 6 को माइंड में रखेंगे, 3 फिंगर्स ओपन, 6 के बैक 5 4 3, 32 लेफ्ट, डैश बलून्स आर लेफ्ट, 32 बलून्स आर लेफ्ट। देयर आर 25 पेजेस इन अ ड्राइंग बुक, एक ड्राइंग बुक में 25 पेजेस हैं, टोटल 25 पेजेस। रोहिणी हैज कलर्ड 11 पेजेस, रोहिणी ने 11 पेजेस को कलर कर लिया, हाउ मैनी पेजेस आर स्टिल लेफ्ट, कितने पेजेस अभी भी बचे हैं, तो रोहिणी के पास टोटल कितने हैं, 25 टोटल। कलर 11 कलर की, तो कितने बचे, यू हैव टू काउंट, 5 को माइंड में रखा, 1 फिंगर ओपन, 5 के बैक 4, 2 को माइंड में रखो, 1 फिंगर ओपन, 2 के बैक 1, 14 पेजेस आर लेफ्ट। देयर आर 58 पैसेंजर्स इन अ बस, एक बस में 58 पैसेंजर्स हैं, 32 ऑफ देम आर मेल्स, 32 मेल्स यानी कि जेंट्स पर्सन, जिसमें जिसको हम आदमी भी कहते हैं, हाउ मैनी फीमेल्स आर देयर इन दी बस, बस के अंदर कितनी फीमेल्स हैं, मेल 32 है, फीमेल्स कितनी है, तो टोटल में से अगर हम मेल्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, फीमेल के नंबर। सो राइट हियर 58 टोटल पैसेंजर, हमें यहाँ पर पैसेंजर भी लिखना था बट हमारे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे, आपको पैसेंजर एग्जाम होगा तो आपको वहाँ पे लिखना होगा, 32 आर मेल, मेल्स, नाउ रिमेन आर फीमेल, लेट्स काउंट, 8 में से 2 को माइनस करेंगे, 8 को माइंड में रखा, 2 फिंगर्स ओपन, 8 के बैक 7 6, 5 को माइंड में रखा, 3 फिंगर्स ओपन, 5 के बैक 3 2, 5 के बैक 4 3 2, 22 आर फीमेल। ओके स्टूडेंट्स, 26 आर फीमेल, 26 फीमेल्स आर देयर इन द बस। स्टूडेंट्स हियर वी हैव डन, आई होप यू हैव गॉट इट।
So I would like to consider subscription. Press the bell icon. Stay connected with me. Bye bye. Take care.